कानपुर विकास प्राधिकरण में हुए 2,57,00,000 के जनरेटर डीजल घोटाले में आखिरकार 5 कर्मचारियों पर गाज गिर गई। 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही केडीओ उपाध्यक्ष राकेश सिंह ने विशेष सचिव आवास को पत्र लिखकर 3 जूनियर इंजीनियर को निलंबित करने की संस्तुति की है। अब आपको कानपुर के विकास प्राधिकरण में हुए डीजल घोटाले से रूबरू कराते हैं। 2017 से लेकर 2019 तक कानपुर विकास प्राधिकरण में ना सिर्फ VC बदले बल्कि अधिकारी और कर्मचारी भी बदलते गए। इस दौरान वैश्विक महामारी भी आई। ऐसे में KDA का डीजल पीने वाले जनरेटर लगातार KDA को रोशन करते रहे। आखिरकार नतीजा यह निकला कि बीते सालों में KDA के जनरेटर 2,57,00,000 का तेल भी पी गए। मौजूदा केयरटेकर और कर्मचारियों की मेहरबानी से पूरा खेल रचा गया था। वहीं KDA के कर्मचारी नेता बचाऊ सिंह ने KDA के इस घोटाले को लेकर शासन और प्रशासन तक शिकायत भी की, साथ ही साक्ष्य भी मुहैया कराए। आखिरकार कर्मचारी नेता की मेहनत रंग लाई और मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर और उपाध्यक्ष राकेश सिंह ने इस मामले पर बड़ा एक्शन लेते हुए ना सिर्फ जाँच के आदेश दिए बल्कि निलंबन की कार्रवाई भी शुरू कर दी। पूरे घोटाले में KDA उपाध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि 2 जांच कमेटी बनाई गई है जो निर्धारित समय पर जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही आरोप सिद्ध होने पर दोषी अधिकारी और कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे बल्कि सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, इसके बारे में बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष इस बारे में शिकायत मिली थी कि यहाँ पर जो डीजल का पेमेंट हुआ है उसमें अनियमित तरीके से भुगतान हुआ है। तो तत्कालीन आयुक्त के स्तर से इसमें 2 सदस्यीय अधिकारियों की एक समिति गठित की थी जिसमें ADM सिविल सप्लाई और अपर सचिव, ये 2 अधिकारी को जांच सौंपी गई थी। इन अधिकारियों ने इसकी जांच की। जांच करने के बाद जो रिपोर्ट सबमिट की है तो उसमें ये पाया गया कि जो भी जनरेटर्स लगे हुए हैं उनके खपत में जो डीजल इस्तेमाल होना चाहिए उनके माइलेज के हिसाब से उससे कहीं ज़्यादा डीजल का भुगतान किया गया था, और ये जो राशि है वो लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास आती है। तो इसमें जो लॉग बुक की पर्चियां वगैरह बनाते थे उसमें 2 मेट इन्वॉल्व थे, इनको मेरे स्तर से निलंबित किया गया है। और इसके अलावा जो इनके ऊपर जो अधिकारी होते हैं वो अवर अभियंता स्तर के अधिकारी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि इस बात को देखते कि इस तरह का अनियमित भुगतान ना हो। तो इसमें 3 अवर अभियंता इस पर नहीं, उन्होंने काम को ठीक से किया तो उनके निलंबन के लिए शासन को हमारी तरफ से पत्र भेजा गया। इनके ऊपर सुपरवाइजरी अधिकारी भी होते हैं जो जिनका ये दायित्व होता है कि वो ठीक प्रकार से परीक्षण करें जिससे कहीं किसी प्रकार से कोई गलत भुगतान या गलती या अनियमितता की गुंजाइश न रहे। तो इसमें 3 अधिशासी अभियंता और 2 अधीक्षण अभियंता उस अवधि में, ये 2 साल की अवधि है 2017 से 2019 की, उस अवधि में कार्यरत रहे, तो उनके बारे में भी कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। सर, क्या वजह रही है कि इतना? मैं ये बात आपको एडिशनल बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये आपस में ये तय किया है कि बहुत शीघ्र विद इन अ वीक हम कुछ जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं वो बनाने वाले हैं कि जो ये एक गलती हो गई थी तो आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। ऐसा SOP हम बना करके उसको कार्यालय आदेश के रूप में जारी करेंगे जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएँ ना हो। सर, अगर ये कहा जाए कि 2021 में कोरोना के बाद भी ये KDA की पहली मतलब एक कार्रवाई है जो करी गई है तो क्या ये सही होगा? देखिए, हमारा काम है एक अच्छे तरीके से स्वच्छ तरीके से काम करना। हम अपने सभी साथियों से, सारे अधिकारियों से, कर्मचारियों से यह अपेक्षा भी करते हैं कि वो स्वच्छ तरीके से पारदर्शी तरीके से। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।